17 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने जारी किए ये आदेश। 7 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए। लता मनोज कुमार को लगाया है आईजी पुलिस एकेडमी। ओम प्रकाश को 11 को लगाया गया है डीआईजी अजमेर रेंज। प्रदीप मोहन शर्मा को लगाया है डीआईजी पाली रेंज। शरद चौधरी को लगाया है एसपी झुंझुनू। अर्शद अली को लगाया गया है पुलिस उपायुक्त क्राइम जयपुर। राजेश कुमार यादव को एसपी सलोम्बर नियुक्त किया गया है। तो राजर्षी राज वर्मा को लगाया है पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोधपुर शहर। कार्मिक विभाग ने आदेश इसे लेकर जारी कर दिए हैं। तो बेहद अहम है ये तबादले, जहां 17 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए और साथ ही 7 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है जहां 17 आरएएस अधिकारियों और 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, क्या उपचुनाव के मद्देनजर ही माना जाए इन तबादलों को? देखिए, ये उपचुनाव के मद्देनजर नहीं है, ये लंबे समय से तबादले बहुत बड़ी संख्या में होने थे श्वेता। अभी मुझे लग रहा है कि एक लिस्ट और आएंगी, और भी लिस्टें आएंगी, एक ही नहीं अनेक लिस्ट आने वाली है और लिस्ट व्यापक स्तर पर भी आएंगी। लेकिन फिलहाल जिन क्षेत्रों में उपचुनाव है वहां पर सरकार फूंक के कदम रखेगी या उन जिलों में फूंक के कदम रखेगी। लेकिन इन सबके अलावा ये आईपीएस की लिस्ट को अगर आप देखते हो तो आईपीएस की लिस्ट में एक नाम ऐसा था जो सर्वाधिक विवादों में और चर्चाओं में था। उस नाम को लेकर कल ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी नेता ने किसी बड़े अधिकारी को हमारे सामने फोन किया कि साहब उनको हटाया जाना जरूरी है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, वो एक ऐसे अधिकारी थे, तो आखिरकार वो चले गए। उनकी लंबे समय से चर्चाओं में था कि वो जाएंगे जाएंगे। उसके अलावा ये जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आईएएस की लिस्ट का सभी को इंतजार है और आईएएस की ये जो लिस्ट आएगी वो लिस्ट किस आधार पर बनेगी, कई चीजें उस लिस्ट से साफ होंगी कि सरकार मेरिट के आधार पर या संतुलन के आधार पर या सरकार किस लिहाज से फैसले करेगी। क्योंकि सरकारों पे हमेशा इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, आरोप लगते हैं कि सरकार जातिगत संतुलन करती है, तबादलों में भी इस तरीके के अर्थ सरकार में लगते हैं। सामान्य तौर पे सरकार देखती है कि भाई ठीक है, एक बैलेंस हो जाए, हालांकि मेरिट पर ज्यादा फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब आईएएस की लिस्ट आना बाकी है, हालांकि गौरव गोयल अब दिल्ली जा चुके हैं, गौरव गोयल की जगह डॉक्टर पृथ्वीराज चले गए हैं। ऐसे ही आरएएस की लिस्ट में नंबर एक पे जो तबादला है, नंबर एक पे जो नाम है, जो मालपुरा गए हैं सौकरिया, उनको लेके झुंझुनू से उनको मालपुरा भेजा है। इस तरीके से कई जो नाम है उन वो नाम अर्जेंट भेजे हैं। उनके अलावा बहुत सारे नाम जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है आज और भी लिस्ट आएंगी, आज नहीं तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह जाएगा जब लिस्टें आएंगी। मुख्यमंत्री आज सीएमओ जब सुबह आए तो बहुत सारी फाइल्स पर हस्ताक्षर या फाइल्स को पढ़ने का कार्य या फाइल्स पर डिस्कशन, इस काम में मुख्यमंत्री लगे हुए थे। कई अधिकारियों को बुलाया और उसके अलावा बारिश से उत्पन्न स्थितियों को लेकर भी उन्होंने फीडबैक लिया है। ये जो लिस्ट है इनको तबादलों से श्वेता हम इसलिए भी नहीं जोड़ेंगे फिलहाल, ये जो लिस्ट है ये आवश्यक लिस्ट थी। अब वो लिस्ट आनी है जो लिस्ट फीडबैक के आधार पर भी आती है। सरकार को आए हुए एक लंबा समय हो गया है, लंबा समय होता है क्योंकि दिसंबर में एक साल हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में 3 महीने हैं, तो 8 महीने मान लीजिए। तो अब माना जाएगा कि अब सरकार एक परफेक्शन की तरफ जाती हुई है। तो अब ये जो लिस्ट आने वाली है इससे अगली, तो उसमें जनप्रतिनिधियों की राय, मंत्रियों की राय, आपस में उच्च अधिकारियों से डिस्कशन और खुद मुख्यमंत्री का स्वविवेक, ये तमाम चीजें कार्य करेंगी। और उनके अलावा राजस्थान से केंद्र में मंत्री भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, तो सामान्य तौर पर फौरी तौर पर उनकी टीम से उन लोगों से भी एक चर्चा की जाती है, फीडबैक लिया जाता है कि क्या बेहतर किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री ये डिसाइड करेंगे कि उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में अधिकारी लगाए जाने हैं, वहां पर कितना बेहतर ये काम कर सकेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले दिनों जब दिल्ली से लौट कर आए हैं तो और ज्यादा पावर लेकर आए हैं, ऐसे चर्चाओं में है कि फ्री हैंड होकर आए हैं, और भी कई फैसले हैं जो मुख्यमंत्री स्वयं के स्तर पर लेंगे। क्योंकि पिछले दिनों की एक ऐसी ही घटना थी जिसको लेकर ये साफ हो चुका कि मुख्यमंत्री और पावरफुल हैं, हुए हैं दिल्ली जाकर जब से आए हैं। तो अब ये जो लिस्ट आने वाली है, इस लिस्ट से तस्वीर साफ हो जाएगी आईएएस की लिस्ट से कि सरकार जो है वो कितने काबिल अधिकारियों को कहां लगाती है। और एक और मैं अपडेट देता हूं श्वेता कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं विभागों के बदलाव की,
तो विभाग भी कई मंत्रियों के बदल सकते हैं, फेरबदल और विस्तार हो सकता है। बस इंतजार यह है कि क्या उपचुनाव के बाद करें या उपचुनाव से पहले कर दें, होना तो है, इस बात में कोई संशय नहीं है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन पर इसलिए भी है, और हम अगर इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती है, लेकिन पूरा पोस्टमार्टम के अलावा संक्षिप्त तौर पर मैं बता दूं कि आईएएस तबादला सूची में 8 से 10 बड़े नामों को लेकर प्रतीक्षा है कि वो नाम कहाँ जाएंगे। अभी रिसर्च जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट समिट, वो होने को है। इन्वेस्टमेंट समिट से रिलेटेड कोई तबादले होने या नहीं वो पता चलेगा। उसके अलावा कमिश्नर जयपुर और जोधपुर के आईपीएस में कुल मिलाकर ये कह सकते हैं ऐश्वर्य कि ये तबादले जो हुए हैं वो पेंडिंग थे, ये तबादले होना तय था, और इसलिए अब एक एक करके आने वाले वक्त में भी कई अहम तबादलों की तस्वीर सामने आएगी। जी बिल्कुल श्वेता, आने वाले वक्त में कई तबादलों की तस्वीरें सामने आएंगी। और श्वेता एक चीज और है कि अब जो आईपीएस की भी जो सूची आनी है उसमें सबसे ज्यादा प्रतीक्षा लोगों को दो चीजों की है, जयपुर और जोधपुर के कमिश्नर बदलेंगे या नहीं। हालांकि चर्चाएं हैं, बदलने को लेकर चर्चाएं चलती भी है सामान्य तौर पर, बदलेंगे या नहीं इसको लेकर चर्चाएं हैं। और उसके अलावा कुछ अधिकारी ऐसे थे पिछली आईपीएस तबादला सूची में जिनको काबिल अधिकारी माना जाता था, लेकिन वो अभी तक भी पिछली सरकार में भी वो अच्छी जगह नहीं रह पाए, इस सरकार में उनकी प्रतीक्षा थी, तो हो सकता है वो अधिकारी इस बार यहाँ पर देखे जाए इस लिस्ट में। और आईएएस की तबादला सूची जो है उसमें कई बदलाव होने हैं। शुरुआती तौर पर जो तबादला सूची आई थी उसके बाद के बदलाव होने हैं, कई कलेक्टरों का भी बदलना तय है, क्योंकि चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान भी परफॉर्मेंस को लेकर बात आई थी, और निर्वाचन विभाग भी अपने लिहाज से परफॉर्मेंस देखती है, बहुत सारी बातें होती है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और श्वेता आज शाम तक देखा जाएगा क्या होता है, राजनीतिक नियुक्तियां और ये बहुत सारे काम जो है अब मुख्यमंत्री अब उन कामों में लगेंगे, लेकिन इन सबके अलावा महत्वपूर्ण यही है कि शाम तक कौन सी लिस्ट अब आ पाती है। चलिए बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है आईपीएस अधिकारियों के तबादले, 7 आईपीएस और 17 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए, लेकिन ये मैच शुरुआत ही क्योंकि काफी पेंडिंग थे, तबादले होना यहाँ पर तय था, और आने वाले वक्त में भी कुछ और अहम लिस्ट, अहम नाम बदलाव के साथ सामने आएगी।